हेलो ऑल, वेलकम टू टूडे गाइड। प्रीवियस वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल चैप्टर से एक्सरसाइज नंबर 2.1 को हम सॉल्व किए थे। इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर कर सकेंगे उतने को हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ यू गेट 1/8, वाट इज द नंबर। तो यहाँ पर हमको स्टेटमेंट दिए गए हैं, इस स्टेटमेंट से हमको इक्वेशन फॉर्म करना है। पहले हमको इक्वेशन डायरेक्टली दिए जाते थे और वहीं से हमको मतलब हमको आंसर निकालना था। तो क्या अभी हमको एक ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ना, ये स्टेटमेंट से आपको कट करके मतलब हाफ हाफ करके समझ के इक्वेशन फॉर्म करना है। वो कैसे, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर, वो नंबर हमको नहीं पता तो हमको क्या करना है, लेट। जब हमको किसी नंबर को मतलब हम जान नहीं पाएंगे तो उसको लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, देन सब्ट्रैक्ट एक्स माइनस 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2, देन यू विल गेट 1/8, मतलब अगर हमारा आंसर आपको मिल रहा है 1/8, वो भी आपको गिवन है। बस ऐसे आपको फॉर्म करना है। अभी आगे आपको इजी हो जाएगा, इक्वेशन फॉर्म होने के बाद आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो किसके साथ क्या मल्टीप्लाई डिवीजन प्लस माइनस करके। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, जो कि एक्स बाय टू माइनस ये 1/4 हो जाएगा, और इसको 1/8 को रख देंगे। तो एक्स बाय टू जब वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल के साथ जो नंबर रहेंगे मतलब कांस्टेंट रहेंगे उसको हम मतलब नंबर को एक साथ रखेंगे और वेरिएबल को एक जगह रखेंगे, वही हमारा रूल कहता था। तो ये जो माइनस है राइट को आ जाएगा, आरएचएस साइड को आएगा तो प्लस लेके आएगा, हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, इसको सॉल्व कर देंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा 80 आएगा, और ये 1 प्लस ये 2 तो 3/8 आ जाएगा। नेक्स्ट एक्स बाय टू इजिकल टू 3/8 आ गया, तो एक्स इजिकल टू कितना, ये जो 2 यहां पर डिवीजन पे है 3 × 2 / 8 हो जा, देखो 3/8 और ये 2 यहाँ पर डिवीजन पे है, यहाँ पर जाके मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देती हूँ, जैसे 3/3 रहेगा और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो कितना 6/8, इसको कट करेंगे 2 में 3 और 4, जो कि फाइनल आंसर हमारा एक्स इजिकल टू 3/4 है, मिल गया। तो x माइनस मतलब आपके जगह 3 − 4 के जगह सॉरी x के जगह 3/4 डालोगे तो आपको 1/8 मिलेगा, पर आपको इतना ही आंसर लिखना है। व्हाट इज दैट नंबर, तो नंबर इज दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। तो पहले हमको एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल बनाना है। आप रेक्टेंगुलर शेप डायरेक्टली बना के उसका लेंथ एंड ब्रेथ को दिखाना है। देखो पेरीमीटर मतलब ये जो चारों तरफ जो साइड है ना, ये टोटल हमारा लेंथ मिला के पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इज 140 मीटर दिया गया है, तो पेरीमीटर ऑफ द पूल कितना लिख देंगे, जो गिवन है वो लिख देंगे, और उसके पहले लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ पूल जो कि रेक्टेंगुलर शेप है, इसीलिए उसका फॉर्मूला पुट होगा रेक्टेंगुलर पेरीमीटर का, तो आपको इजी हो जाएगा। इट लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेट हम लेट करेंगे, लेट ब्रेथ इजिकल टू एक्स
एंड उसका लेंथ इज इक्वल टू कितना, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस, 2x हो गया। देखो ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब 2x, एंड 2 मीटर मोर मतलब 2 मीटर, मतलब आड़ होगा 2। ओके, तो ब्रेथ हमारा x हम लेट लिए और लेंथ का 2x प्लस 2 आ गया, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, हो गया फाइनल। तो उसके बाद हमको क्या पूछा गया है, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ एंड ब्रेथ हमको किधर मिलेगा, पेरीमीटर फॉर्मूला से। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हम पुट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर पूल लिख देंगे इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस पी, ठीक है। और यहां पर आपको पुट करना है ये वैल्यू, लेंथ के जगह 2x प्लस 2 एंड ब्रेथ के जगह x, तो आपको मिल जाएगा देन 2, मैं यहां पर लिखती हूं 2 इंटू एल के जगह 2x प्लस 2 देन प्लस x, ठीक है। और उसका वैल्यू कितना दिया गया है, 154। अभी हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया, यहां से हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। मतलब हमको चाहिए क्या है, x, तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x प्लस 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 154, और 4x प्लस 4x, सॉरी 4x प्लस 4, ये 4 है x नहीं, ये 2x होगा, यहां पर मल्टीप्लाई और यहां पर 4, तो 4x प्लस 2x 6x, और ये जो 4 है वहां पर माइनस कर देंगे, राइट पे ले लेंगे 4, जो कि 150 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 6, यहां पर मल्टीप्लाई है तो राइट को आएगा, तो वो डिवीजन पे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 × 2 = 25 मीटर, 25, और उसका लेंथ सॉरी ये यूनिट मीटर पे है, एक्स आ गया। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, ब्रेथ हमारा एक्स है, जो कि ये ब्रेथ है, और लेंथ इज इक्वल टू 2 × 25 प्लस 50 प्लस 2, जो कि 52 मीटर आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4 × 3 cm, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 × 2 = 15 cm, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, करेक्ट। इक्वल साइड्स हमको नहीं पता, हम उसको लेट कर लेते हैं। पहले बेस हमारा क्या है, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल में से फिगर बना रही हूं, क्योंकि दो साइड इक्वल हैं, इज इक्वल टू 4 × 3 cm, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसका जो इक्वल साइड वो नहीं दिया गया है, उसको हम लेट करेंगे, ठीक है। लेट द इक्वल साइड बी 1 cm, ठीक है। तो उसके बाद हमको क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ, मतलब दो साइड हमारा इक्वल होगा ना, अगर हम एक को एक्स लिए तो उसका दूसरा साइड भी एक्स ही होगा, क्योंकि इक्वल है। तो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 × 2 = 15 गिवन है, ठीक है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। इसके बाद ये जो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे हम निकालेंगे, एक ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, उसका जो 3 साइड्स हम ऐड कर लेंगे ना, तो एक्स एक साइड है, दूसरा साइड भी एक्स है, प्लस जो थर्ड साइड है वो हमको गिवन है, बेस करके बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस,
इज इक्वल टू, ये भी गिवेन है क्योंकि उसका वैल्यू हमको गिवेन है, इक्वल के बाद ये गिवेन है, करेक्ट। अभी हमारा इक्वेशन मिल गया, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे 2x प्लस 4 बाय 3, और इसको जो ये मिक्स फ्रैक्शन है ना इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 15 4 जा 60 प्लस 2 62 बाय 15। नेक्स्ट स्टेप 2x इज इक्वल टू, ये जो 4 बाय 3 है वो एक कांस्टेंट है, वेरिएबल से हम अलग करेंगे, जिसको हम राइट पे ले आएंगे, माइनस 4 बाय 3 वो हो जाएगा, ट्रांसपोज होगा, प्लस साइन हमारा माइनस साइन लेके आएगा राइट पे। नेक्स्ट 2x इज इक्वल टू 62 माइनस 15 का ये यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, 15 और ये 62 आ जाएगा और ये 20 हो जाएगा, 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे 5 4 जा 20, ठीक है। तो 62 माइनस 20 हमारा 42 बाई 15 आ गया। नेक्स्ट स्टेप x इज इक्वल टू 42 बाई 15 हमारा था और ये जो 2 यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम कट करेंगे इतना आ जाएगा, ये कट करेंगे तो 2 जा 4 ये 1। नेक्स्ट हम 3 पे कट करेंगे, 3 5 जा 15, 3 7 जा तो 7 बाई 3 आ गया, उसको हम अगेन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, मतलब ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है तो इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जिससे 3 1 जा 3 और 4 2 सॉरी ये 7 बाई 5 होगा ना, 5 यहाँ पर है 7 बाई 5, तो 5 1 जा 5 यहाँ पर कर देती हूँ, 5 1 जा 5 2 तो कितना आ जाएगा 1 फुल 2 बाई 5 सेंटीमीटर एक्स का वैल्यू, जो कि हमारा साइड से इक्वल साइड, एक साइड हुआ एक्स मतलब दोनों साइड 1 फुल 2 बाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 7 बाई 5 सेंटीमीटर, अदरवाइज 1 फुल 2 बाई 5। और एक बार लिख देते हैं 1 फुल 2 बाई 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर, ओके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।